Hi guys, good morning and welcome back to my channel. तो आज है थर्सडे फ्राइडे, तो आज मुझे छुट्टी है, तो अभी ये दो दिन हम घूमने जाएंगे, let's see. तो आज फिलहाल अभी मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं सुबह इतने जल्दी उठी हूँ, नहीं तो मैं इतने जल्दी नहीं उठती. लाइक अभी 10:30 बजे और 11 o'clock को मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मैं कल ही जाके कंसल्ट करके आई थी डॉक्टर से. तो द थिंग इज, अगर आपने कभी मेरी वीडियोज़ में नोटिस किया होगा तो आई हैव लाइक गैप्स इन माई फ्रंटल टीथ, लाइक 2 to 3 टीथ्स में मुझे गैप्स है. वेट, आई शो यू. सो देर आर सम गैप्स, तो मुझे वो मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगता. ये मैंने पहले भी फिल करवाए थे, बट बाद में मैंने खुद ने जाके वो निकाल के आई थी. तो अभी मुझे वो वापस कराने हैं और थोड़ी बहुत बेसिक क्लीनिंग करवानी है, तो वो जाके मैं कल कंसल्ट करके आई थी. सो ही गेव मी 3 ऑप्शन. 1 वॉज एक वाइट कॉम्पोजिट होगा, वो फिल कर देंगे दांतों के बीच में, एंड दैट विल लास्ट फॉर समवेयर अराउंड 5 years, 10 years और 15 years, डिपेंड हाउ यू केयर योर टीथ, हाउ यू मेंटेन दैट. सो मैं मतलब ये वाला ऑप्शन करवाने वाली हूँ. द सेकेंड ऑप्शन ही गेव मी वॉज फॉर दी ब्रेसेस. द ब्रेसेस तो मुझे नहीं करवाने क्योंकि लिए मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं वो ब्रेसेस के बाद उस पर से ब्रश करूँ या फिर उस पर कुछ खाना स्टिक ऑन हो जाए तो वो मैं मेंटेन कर पाऊँ. लाइक लुक वाइज इट्स ओके कि मैं 1 year वो कैरी कर लूँगी मैं ब्रेसेस, बट वो इतना पेशेंस नहीं है कि मैं वो ब्रेसेस लगवा सकूँ. द थर्ड ऑप्शन ही गेव मी वॉज ऑफ 3 tooth का कैप, ही टोल्ड मी, बट मुझे वो थोड़ा आर्टिफिशियल टाइप लग रहा था और वो भी 10 years के इसमें था, बट दैट वॉज प्रिटी एक्सपेंसिव और प्लस वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल भी लगता था. सो दैट्स द रीज़न मैं वो नहीं करवाने वाली. तो अभी 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, इसके लिए मैंने अभी फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, नॉट इवन ऑन माई लिप्स. लाइक मैंने ना लिपस्टिक लगाई है, ना लिप ग्लॉस लगाया, ना लिप बाम लगाया, बिकॉज अगर वो ट्रीटमेंट करेंगे तो माइट भी उनके ग्लव्स को लगेगा. आई हैव जस्ट क्लीन माई माउथ, क्लीन माई टीथ्स, माउथ वॉश, एंड आई एम रेडी फॉर द ट्रीटमेंट. बस अभी मुझे कुछ तो हल्का सा थोड़ा सा खाना है, बिकॉज आई डोंट नो वो करवाने के बाद मैं कितने देर के बाद कंफर्टेबल होगी टू ईट समथिंग. लाइक 3-4 hours तक शायद से मैं कुछ खा नहीं पाऊँगी, इसके लिए मुझे अभी थोड़ा सा लाइट कुछ खा लेना है. मैं एडिटिंग कर रही थी, जो मैं मॉम के गांव गई थी ना उसकी जो एडिटिंग बाकी थी वो थोड़ा कर रही थी और थोड़ी सी आज बाकी है, बिकॉज वहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है. तो मैंने जो भी सीन्स लिए थे, रिचुअल्स थे, जैसे वो कट्टर काटी थी, वो एक रिचुअल होता है मराठी में, तो वो था, पूजा थी, वो सब रिकॉर्ड किया है. मैंने सोचा कि जो भी 2-3 दिन मैं वहाँ पे थी, स्पेंड किया मैंने वो प्लेस पे, तो मैं उसका एक मिनी व्लॉग बनाऊँ. तो उसकी एडिटिंग चालू थी, बस अभी मुझे वॉइस ओवर और म्यूज़िक डालना बाकी है उसमें, दैट्स इट. अगर वो एक बार आज अगर हो जाता है तो मैं कल या परसों मैं वो व्लॉग रिलीज़ कर दूँगी. आई होप सो आज हो जाए. और ये अगर अभी जो मैं डेंटल ट्रीटमेंट करवा के आने वाली हूँ, अगर वो टाइम पर हो जाए तो आज कोकोनट लगून पब है थाने में, वहाँ पे हमारे ऑफिस की मीटअप है, बहुत दिनों बाद ये मीटअप है. तो अगर मेरा जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो टाइम पे हो जाता है तो मुझे वहाँ पे भी जाना है. तो चलो अभी जल्दी से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और जाते हैं ये डेंटल ट्रीटमेंट करवा के आते हैं. जाने से पहले मैं आपको और एक बार दिखा देती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं, और आने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि व्हाट्स द एग्जैक्ट चेंज यू कैन सी इन माई टीथ. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो द गैप्स, लेट्स सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छे लग गए. मैंने पहले भी करवाए थे, तभी वो बहुत अच्छे लगते थे, अभी देखते अभी जाके करवा के आते हैं. सो डेंटल ट्रीटमेंट हो चुकी है, तो मैं मम्मा के साथ थोड़ा मार्केट आई थी, और ये यहाँ पे जो ये किटकैट्स है ये मुझे बुला रहे थे, बट उफ अभी ही मेरी डेंटल ट्रीटमेंट हुई है. गाइस, तो मैं फाइनली मेरा जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो करवा के आ चुकी, एंड दिस इज लुकिंग सो गुड. सी, सो जो मैं बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स है वो डाल लूँगी. तो उन्होंने वो जो वाइट कॉम्पोजिट है वो लगाया, फिर कुछ क्योर करने के लिए जो ब्लू कलर की एक लिक्विड था वो लगाया, एंड ब्लू लाइट्स के साथ क्योर किया है. और ये पूरे ट्रीटमेंट को कुछ लाइक 1 hour लगा, एंड इट्स डन. और मैंने थोड़ी क्लीनिंग भी की है, तो टीथ्स अभी बहुत ज़्यादा क्लीन है. और मैंने उनको पूछा कि कोई कैविटी है क्या, तो ही सेड देयर इज़ नो कैविटी, सो नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट.
बट यस, इससे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ. लाइक अभी पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे और अभी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ वाइल स्पीकिंग. क्योंकि पहले जब मैं वीडियोस बनाती तो दिखते थे कि वो दांत में उतने गैप्स हैं, वो दिखते थे. माइट बी यू हैव नोटिस्ड और नॉट, बट वो ऐसे प्रोमिनेंट दिखते थे. बट अभी वो नहीं दिखेंगे एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद इट. सो दिस इज़ द थिंग. और जो उन्होंने वो जो कॉम्पोजिट डाला उसके थोड़े पार्टिकल्स है, ही सेड कि वो 2-3 दिन में प्लेन आउट हो जाएंगे. वंस यू ब्रश 2-3 टाइम्स वो चले जाएंगे. तो मैं जब जा रही थी ये करवाने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी. क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना, वो पूरा ऐसा वो कुछ एक ओवल टाइप आता, वो ऐसे मुँह में डाल देते, पूरा ऐसा जबड़ा खोल देते और बहुत ज़्यादा फिर जॉ पेन होती है, पूरा टाइम वो पेन रहता है. बट नसीब से ये डेंटिस्ट ने वो नहीं डाला था, उन्होंने ऐसा कुछ कॉटन का स्वाब था वो रोल करके बस मेरे यहाँ पे लिप्स के यहाँ पे रख दिया था एंड दैट वाज मोर कंफर्टेबल. बट स्टिल वाज अ जबड़ा पूरा तो दुखता ही है, बट अभी इतना पेन नहीं हो रहा है, बट ठीक है. बट मुझे ये पे थोड़ा सा बात करते वक्त मुझे ना फंबल कर रही हूँ, ये हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है. क्योंकि ये जस्ट अभी अभी लगा है ना, तो थोड़ा मेरे को यूज्ड टू होने के लिए वो टाइम लग रहा है, बट बाकी ठीक है. मेरी मम्मी डायमंड चेक करने वाले आई ग्लास से आम चेक कर रही है कि कुछ है तो नहीं उसने. देखा गाइस, तो मुझे गेट टुगेदर में जाना था. मैं लिटरली फुल रेडी होके बैठी थी. लाइक मैंने वन पीस पहना था, लाइट मेकअप किया था, हेयर थोड़ी सी स्ट्रेटिंग कर लिए थे. बट एंड मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अभी 6-7 बजे जाऊंगी और फिर रात को थाने से अकेले आते वक्त बहुत लेट हो जाएगा. और फिर मम्मा भी बोल रही थी कि दैट थिंक अबाउट इट वंस, मतलब जाना है नहीं जाना है, इतने रात को आप लेट आओगे. तो फिर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया. लिटरली मुझे जाने का बहुत मन था, मैं फुल रेडी होके बैठी थी क्योंकि लिए हम बहुत टाइम बाद मिलने वाले थे, ऑफिस गेट टुगेदर था. बट ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिल लूँगी. और अभी फ़िलहाल मैंने सोचा है कि क्रोमा जाके आती हूँ. मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जाके स्पा करवा के आऊँ क्योंकि इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ टू माय दिस फ्रंट हेयर्स. क्योंकि आप यू नो कि मैंने केराटिन करवाया था तो वो थोड़े से निकल चुके हैं और यहाँ से फिर वेवी होते हैं, तो यहाँ से वेवी रहते हैं और नीचे से स्ट्रेट होते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है. तो मैं स्ट्रेटनर से थोड़े यहाँ से स्ट्रेटनिंग कर देती हूँ. दो मैं जो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है वो यूज़ करती हूँ, स्टिल थोड़े डैमेज तो हो गए. तो सोच रही हूँ कि आज जाके थोड़ा स्पा करवा के आऊँ. और उसके अलावा मुझे क्रोमा भी जाना है क्योंकि जो डैड के स्पीकर्स मुझे लेने थे वो अभी तक मैंने नहीं लिए हैं. प्लस मुझे हेयर स्ट्रेटनर ब्रश भी देखना है. फिलिप्स का मैं प्रेफर करूँगी लेना, और एल्स जिसकी जो सेल्सियस या फेरनाइट हीट ज़्यादा होगी तो उससे जल्दी स्ट्रेटनिंग हो जाता है वो लूँगी. कंपेयर करूँगी क्रोमा और ऑनलाइन, तो जो भी कम रहेगा और जिसके भी रिव्यूज़ अच्छे रहेंगे वो लूँगी और आज ही ऑर्डर कर दूँगी. बट उससे पहले जाके आऊँगी मैं स्पा करवाने के लिए, तो चलो जाते हैं. 11th अप्रैल था, वो ऐसे बोलते हैं कि 2023 का सबसे लकीएस्ट डे था, स्पेशली फॉर एरीज एंड जेमिनाइज. ये दो जोड़े के लिए बहुत ज़्यादा लकी था और बाकी जोड़े के लिए भी लकी था. लाइक कुछ तो सैटर्न और जुपिटर एक रिवॉल्व कंप्लीट करते हैं अराउंड द सन. ये एक डिकेड में एक बार होता है. लाइक इमेजिन 100 ईयर्स में ये एक बार हो रहा है और बहुत ज़्यादा लकी था. सो ये इवेंट 11th अप्रैल को था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सनसेट के वक्त होगा, बट वो एक्चुअली रात को 3:30 AM से कुछ 4:30 के बीच में होने वाला था और वो भी शायद इंडिया में नहीं दिखने वाला था. स्टिल मैं गई थी सनसेट देखने, बट मुझे वो तो नहीं दिखा. बट ऑब्वियस कि वो रात को दिखने वाला था, तो इतने रात को तो कौन ही जाएगा. बट जब मैं सनसेट देखने गई तो मैं थोड़ा टाइम थी वहाँ. And guess what? I saw shooting star. So this was the second time in my lifespan कि मैं shooting star देख रही हूँ. And वो within a seconds, like मैंने अगर मैं नहीं देखती ना तो within a seconds वो गायब हो जाता, लेकिन मैंने luckily वो देख लिया and I was so happy after seeing it. तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर कर. ये कॉमन सा है, ये मैंने देखा था पहले भी. आई वुड गो फॉर दिस, ये मुझे अच्छा लगा एंड सेम प्राइस ही है. अरे बाकी सारी तो बेसिक्स. दिस इज कूल, छोटा सा.
सो मेरा स्पीकर जो है वो सिलेक्ट करके हो चुका था, तो मैं ऊपर गई स्ट्रेटनर के सेक्शन में। तो यहाँ पे तीन ही स्ट्रेटनर थे, मतलब तीन कोम स्ट्रेटनर्स थे, बाकी फ्लैट स्ट्रेटनर्स थे। एक क्रोमा का था, जो ये जो था ये बहुत ज़्यादा लाइट था, और फिलिप्स के दो थे। सो आई डिसाइडेड कि मैं फ़िलिप्स का जो कोम स्ट्रेटनर है वो लूँगी। सो ये जो सेम कोम स्ट्रेटनर है ये क्रोमा में 2,990 रुपीज़ का था, और अमेज़ॉन पे 2,890 का था, मीन्स 100 रुपीज़ का डिफरेंस। तो मैंने ये जो पिंक वाला ये लिया। तो मैंने जो स्पीकर है और वो जो स्ट्रेटनर है वो ये लिया भी लेके आ चुकी हूँ। ये बहुत टाइम से लेना था, और ये मैंगलोर वाले घर पे रखना है, और ये मुझे बहुत टाइम से लेना था जो मैं लेके आ चुकी हूँ। और ये कुछ था 2,990 रुपीज़ का वहाँ पे, और अमेज़ॉन पे था 2,890 का। अभी 100 रुपीज़ के लिए मैं क्या ही देखूँ, इसके लिए मैं लेके आ गई वहाँ से, नहीं तो अमेज़ॉन पे 100 रुपीज़ लेस पे था। बट वो दो तीन दिन बाद डिलीवरी थी, तो अभी मुझे चाहिए था तो मैं लेके आ गई। ये पता नहीं, शॉपिंग मेक्स मी हैप्पी। ओके, तो ओपन करते इसको, देखते हैं। उन्होंने चेक करके तो दिखाया था, स्टिल ये माइक है इसका। ओ वाओ, दिस इज द माइक है, और ये चार्जिंग कॉर्ड है। ये हमारा बॉस। फाइनली गॉट दिस। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, टूडल्स।